हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सूर्य ग्रहण के बारे में कि 2023 में कितने सूर्य ग्रहण और बचे हुए हैं और इनका सूतक काल कब लगने वाला है, सूर्य ग्रहण के दौरान क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, यह सब जानकारी हम आप सभी को इसी वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप सभी को हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी हमारे नए नए वीडियो को सबसे पहले और आसानी से देख सकें। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ सावधानियां जान लेते हैं जो जाने अनजाने में हमसे ग्रहण के दौरान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए। तिराहे या चौराहे पर कोई सामान या वस्तु तो पैसा गिरा हुआ हो तो उसे उठाकर अपने घर नहीं लाना चाहिए। हमें सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन पकाना नहीं चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए, कोई नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का या जिस भी देवी देवता का हम मानते हैं उसका स्मरण करते रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण लगने से पहले गर्भवती महिलाएं अपने शरीर के बराबर एक धागा नापकर कहीं किनारे सुरक्षित जगह पर रख दें। इससे उनके शिशु के ऊपर ग्रहण का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनका शिशु सुरक्षित रहेगा। यह टोटका पुराने जमाने से लोग मानते चले आ रहे हैं, आप भी जरूर अपनाएं। ग्रहण लगने के बाद से उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही ग्रहण को नंगी आंखों से देखना चाहिए। उनको धारदार या नुकीला चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी काटने के लिए चाकू वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कपड़ा सिलने के लिए काटने के लिए कैंची या सिलाई मशीन या सुई का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें अपना नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, उन्हें सोना या बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान उन्हें सोना या बैठना नहीं चाहिए, अपने घर के अंदर धीरे धीरे टहलते रहना चाहिए और अपने मन ही मन में गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उन्हें भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। पूरे ग्रहण के दौरान उन्हें खाना पीना वर्जित होता है। तो चलिए जानते हैं साल 2023 का दूसरा ग्रहण कब लगने जा रहा है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा ग्रहण एक सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है। यह ग्रहण अक्टूबर में लगेगा। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा ग्रहण 14 अक्टूबर को लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह का सूर्य ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। खास करके आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार पड़ने वाला है। ऐसे में शनिवार को लगने वाला ग्रहण बेहद महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि शनिवार को अगर सूर्य ग्रहण पड़े तो इस ग्रहण के नियमों का खास तौर पर पालन करना चाहिए, क्यों शनिवार के ग्रहण को बेहद अशुभ माना गया है। आपको बता दें कि यह एक कुंडलाकार ग्रहण है जिसमें रिंग और फायर का नजारा देखने को मिलेगा। रिंग और फायर में सूर्य चंद्रमा के चारों ओर अंगूठी के आकार का हो जाता है। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका और प्रशांत महासागर अंटार्कटिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा। ऐसे में इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। अब आइए जानते हैं 2024 में कितना सूर्य ग्रहण लगने वाला है। 2024 में कुल 2 सूर्य ग्रहण और लगने वाले हैं। पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 25 मार्च 2024 को। इसका लगने का टाइम है 10:23 AM से 3:02 PM तक। इसका टोटल कुल अवधि है 4 घंटा 39 मिनट। अब दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह है 18 सितंबर 2024 को। इसका लगने का टाइम है 6:14 AM से 10:17 PM तक। इसका टोटल कुल अवधि है 4:06। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।